हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज 13 अप्रैल 2019 है और सैटरडे का दिन है। आज जो थोड़ा सा ना लेके स्टॉक चार्ट लेके आया था वो हीरो मोटर कॉर्प, टेक महिंद्रा और टाटा स्टील पे लेके आया था। उसके पहले मैं सोचा आपको जो इंडेक्स है उसके परफॉर्मेंस को दिखा दूँ आपको, कि थोड़ा सा इंडेक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है और क्या रहा है। तो लास्ट वीक देखेंगे तो निफ्टी इंडिया ने 0.082, और अगर हाईएस्ट देखे, हाईएस्ट की ओर देखे तो निफ्टी ऑटो ने 2.49, निफ्टी एफएमसीजी ने 2.2%, निफ्टी फार्मा ने 1.67% और बीसी पावर ने 1.46 का रिटर्न दिया। और सेम सेक्टर अभी लगता है ये कंटिन्यू करेगा, और लास्ट डे को जो दिख रहा है वहाँ पे मीडिया, एफएमसीजी, ऑटो और पावर, ये चार सेक्टर अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि कमिंग वीक में ये सेक्टर आपको अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखे। वहीं पर निफ्टी इंफ्रा और कैपिटल गुड्स में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिल सकता है। मेटल सेक्टर थोड़ा न्यूट्रल हो सकता है, बीसी ऑयल भी न्यूट्रल हो सकता है। आईटी में रिजल्ट है, इसके चक्कर में हो सकता है थोड़ा ऊपर जाए, बाद में हो सकता है कि वापस न्यूट्रल की ओर जाए। तो मीडिया, एफएमसीजी, ऑटो, पावर सेक्टर पे आपको थोड़ा सा पोजीशन पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पोजिशनिंग होना चाहिए और इस पे ध्यान रखना चाहिए। अगर हीरो मोटर कॉर्प की बात करें तो हीरो मोटर कॉर्प में वीकली बेसिस पे आप देखेंगे तो हीरो मोटर कॉर्प पे कहीं ना कहीं एक बुलिश हैंगिंग पैटर्न है ऊपर की ओर, और ये एक यहाँ पे आप देखेंगे ये कंटिन्यूस एक फॉल का पैटर्न बनाया था और उसके बाद यहाँ से ये ऊपर की ओर जा रहा है। और इसका जो 40% देखेंगे आप ऑलरेडी, इसका देखेंगे तो आरएसआई देखेंगे 40% है। डेली बेसिस पे भी अगर देखने की कोशिश करें इसको तो डेली बेसिस पे भी आप यहाँ देखेंगे, यहाँ एक कंटिन्यू फॉल था, यहाँ इंडिसिसिव कैंडल बना और इस सारे को कवर करके यहाँ पे ऊपर ले लिया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको एक अच्छा पैटर्न देखने को मिल सकता है, और ये कहीं ना कहीं 2693 की ओर जाते हुए इसका सीएमपी जो है अभी अभी जो चल रहा है इसका 2600 चल रहा है, ये 2700 और 2700 के आगे भी जा सकता है, और कहीं ये हो सकता है कि ये आपको 2851 की ओर भी जाते हुए वीकली बेसिस पे देखें तो ये 2851 की ओर जाते हुए दिख सकता है। आपको डेली बेसिस पे इसको स्टॉप लॉस जो लगाना होगा, अगर ये नीचे की ओर जाता है तो आपको स्टॉप लॉस इसमें जो चाहिए आपको वो इस लेवल पे आप लगा सकते हैं। हो सकता है इसी डे का जो लो है जो कि आपका 2600 का, आप इसको स्टॉप लॉस हीरो मोटर कॉर्प में लगा करके 2851 के टारगेट के लिए इसमें देख सकते हैं। दूसरा शेयर है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा भी आप देखेंगे कंटिन्यूस यहाँ से ऊपर जा रहा था, फिर इंडिसिसिव कैंडल बना, इंडिसिसिव कैंडल के बाद उसमें कंटिन्यू लाल कैंडल बना था और यहाँ पे जस्ट अभी एक हैमर पैटर्न पॉजिटिवनेस बना है। तो इसमें दो ऑप्शन है, या तो ये इसको मिडिल को टच करेगा 754 को, या ये 852 की ओर ऊपर जाएगा, दो में से एक ऑप्शन है। और इसमें से जो दिख रहा है वॉल्यूम के बेसिस पे जो दिख रहा है, हो सकता है कि ये आपको ऊपर की ओर एक बार जाए, ये 852 की ओर जाते हुए आपको दिख सकता है, क्योंकि अच्छा खासा यहाँ पे फॉल हो चुका है। तो यहाँ से टेक महिंद्रा में नेक्स्ट वीक पे हो सकता है एक और पैटर्न लेकर के नीचे की ओर जाए, बट ये आपको कहीं ना कहीं 852 की ओर जाता हुआ कमिंग डेज में आपको देखने को मिलेगा। टाटा स्टील में अच्छा खासा ये शेयर है और ये एक कंटिन्यू फॉल बनाया है, डेली बेसिस पे देखेंगे आप तो ये कंटिन्यू एक फॉल बना चुका है। ये बहुत नीचे नहीं जाएगा, मुझे नहीं लगता कि ये 502 किसी भी हालत में तोड़ेगा, ये 554 और 600 की ओर जाता हुआ आपको आगे दिख सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। बट अभी थोड़ा सा इसमें वीकनेस दिख रहा है और हो सकता है कि ये आपको 528 और 528 तोड़ता है तो कहीं ना कहीं आपको ये 502 की ओर जाता हुआ आपको शॉर्ट टर्म में दिख सकता है। लॉन्ग टर्म के स्क्रिप्ट से ये 600 का है, लॉन्ग टर्म के व्यू से आप इसको होल्ड कर सकते हैं और रख सकते हैं। अगर यहाँ पे 501 देखेंगे, अगर ये वीकली बेसिस पे देखें तो 501 पे इसको अच्छा खासा सपोर्ट है, और लास्ट डे में ये जब डेली बेसिस पे देखें तो बोलिंगर बैंड के अपर टच को 552 को टच कर लिया है और वहीं से इसने नीचे की ओर फॉल दिखाया है। तो टाटा स्टील में हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिले और ये 502 की ओर जाता हुआ आपको दिखे। वहीं टेक महिंद्रा और हीरो मोटर कॉर्प में पॉजिटिव व्यू है। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन था, कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन इस पे नहीं है, ये सिर्फ एक चार्ट था कि हीरो मोटर का टेक्निकल में बुलिश पैटर्न है और टाटा स्टील में एक थोड़ा सा बेरिश पैटर्न इसमें वीकली बेसिस पे देखने को मिल रहा है। ये सिर्फ मेरा एक ओपिनियन था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।